वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड में किस प्रकार से प्रोफेशनल लुकिंग जो मल्टी कलर विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है। यदि आप भी चाहते इस प्रकार के विजिटिंग कार्ड बनाना तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि कहीं पे भी मिस ना हो। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोफेशनल लुकिंग विजिटिंग कार्ड एमएस वर्ड में बनाया जाता है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं। देखिए शेप का वैसे विजिटिंग कार्ड के यहाँ पे होता है जो साइज होता है, यहाँ से इसका साइज देख सकते हैं। साइज जो होता है 3.6 इंच हो जाता है और ये इसका चौड़ाई, और उसके बाद ये जो ऊंचाई है इसका वो 2.1, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको अगर इंच में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में आके और इसके बाद आना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे जो सेंटीमीटर, इसको क्या चीज़ में बदल देना है, इंच में बदल के ओके कर देना। देखिए अब इंच में आ गया, तो ये कितना है, ये 3.6 नहीं, ये है हाइट है जो 2.1 हो गया और ये हो गया जो 3.6 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं, यहाँ से जूम इन कर लिए। फिर से आते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे और एक और शेप लेते हैं, और इसके बाद एक शेप ले लिए। शेप लेने के बाद इसमें देना क्या है, तो इसमें नाम हम अपना दे देते हैं, एड टेक्स्ट करेंगे। चलिए इसमें हम नाम दे दिए, और नाम देने के बाद इसमें जो फाउंडेशन ये हो गया, और इसके बाद इसको थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से छोटा कर लेते हैं, और ये जो साइज है ये भी बड़ा है, इसको भी हम क्या करेंगे, जितना दूर में उतना ही दूर में करके इसको हम थोड़ा छोटा कर लिए। चलिए तो हो गया छोटा, और इसके बाद फिर से आना है, ये लेफ्ट में है, चलिए लेफ्ट में, और इसका जो लॉक नहीं टूटा होगा तो दो बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स करके लॉक तोड़ लेंगे, तो ये आसानी से हम जहाँ ले जाएंगे वहाँ पर ये चला जाएगा। चलिए ये तो हो गया, यहाँ से स्पेस दे देते हैं, ये हो गया यहाँ से यहाँ, और इसको फिर क्या करना है, हल्का नीचे करना है, हल्का नीचे कर दिए, इसका हम कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिए, और इसको अब थोड़ा और नीचे का कटा हुआ है तो थोड़ा और नीचे कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिए, और यहाँ पे हम ले आए। चलिए यहाँ पे लाने के बाद इसमें हम मोबाइल नंबर दे देते हैं, तो MO मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देने का, देखिए इसको हम लेफ्ट साइड कर देते हैं, राइट में नहीं, लेफ्ट में रहेगा तो सही रहेगा क्योंकि इस साइड से लेफ्ट से आएगा। लेकिन इसका क्या करना था हमको, उसी वक्त है जो शेप है जो आउटसाइड लाइन, इसको नो बॉर्डर कर देना है, और इसको भी आउटसाइड लाइन में नो कर देना है, और इसके बाद फिर से आना है वर्ड आर्ट्स पे, यहाँ पे वर्ड आर्ट्स पे, यहाँ पे वर्ड आर्ट्स पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर वाला, और लिखने के बाद है जो इसमें से आप जो इसका फॉन्ट होगा, इसमें से आप फॉन्ट इसका सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखते हैं, ये नहीं सही है, इसमें से देखना पड़ता है। ठीक, आप देख लीजिएगा जो आपको फॉन्ट सही लगे वो फॉन्ट इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ये फॉन्ट ले लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, और ये तो अंदर भाग गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किए, और ये 3D है तो इसको नॉर्मल कर दिए, और नॉर्मल करने के बाद इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, जहाँ छोटा हो गया इसको थोड़ा लेफ्ट कर देते हैं। देखिए इसमें थोड़ा स्पेस होगा इसीलिए ये अंडरलाइनिंग है जो ग्रीन से है। ये तो यहाँ तक हम कर लिए, और थोड़ा इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। चलिए इसको चौड़ाई थोड़ा कम कर देते हैं, और इसके बाद इसका कलर जो देना चाहते हैं तो यहाँ से आइए, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, और इसमें आप हमको लेना है लोगो लेना है, तो लोगो लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, शेप ले लेंगे और शेप फिल करेंगे, शेप फिल में पिक्चर जाएंगे और पिक्चर में जो लोगो है लोगो ले लेंगे। अभी लोगो को क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, और लाने का नीचे ले जाना है बैक साइड में, नहीं तो इसी को हम क्या करते हैं, फ्रंट साइड में आगे ले आते हैं, तो इसको फ्रंट ले आया, और इसको थोड़ा इधर की ओर खींच देते हैं, और इसको भी कम चौड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और इसको ये इस प्रकार से हो गया, और इसका साइज भी क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं।
ये हो गया। अब इसमें देखिए जो आउटसाइड बॉर्डर है इसको क्या है हटाना है, तो इसके लिए फिर से हम लोग इस पर दो बार क्लिक कर देंगे, तो ये तो आ नहीं रहा है। हाँ ये अब ये आउटसाइड बॉर्डर है इसको हटा देना है, तो यहाँ पे आएंगे इसको नो बॉर्डर कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हमको फिर से आना है शेप पे और एक शेप ले लेना है, ये शेप ले लेना है, और शेप में क्या करना है हमको लिखना है, क्या लिखना है तो एनी टाइम एस एस, एनी टाइम एस एस, और इसके बाद फिर क्लोन देके कोर्स कंप्लीट। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर्टिफिकेट और कंट्रोल ए से इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको है जो सेंटर में हमको लाना है तो यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे, और इसको थोड़ा बोल्ट करना है तो हम बोल्ट कर देते हैं, और बोल्ट करने के बाद देखिए इसका साइज है जो थोड़ा और बड़ा होगा तो यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं, और ये फिगर है जो इसको साइज छोटा हल्का करना है तो यहाँ से हम छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ से इसको भी यहाँ तक मिला देते हैं, सही रहेगा, ये हो गया। और इसमें हमको कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के पहले इसको थोड़ा हम नीचे ले आते हैं, और कलर फिल करने के लिए दो बार क्लिक करेंगे, इसमें से जो कलर आपको फिल करना हो वो कर सकते हैं, और उसके बाद आउटसाइड इसका बॉर्डर है जो हटा दीजिए, तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर में नो बॉर्डर कर देंगे। चलिए ये कलर देते हैं और आउटसाइड बॉर्डर में नो बॉर्डर कर दिए, और इसके बाद ये जो किए है तो इसी को क्या करना है हमको कॉपी कर लेता है डुप्लीकेट कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो नहीं रहा है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेना है, और डुप्लीकेट करने के बाद फिर से इसको यहाँ पे ले आना है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आना है, और लाने के बाद इसमें जो आपका वेबसाइट है उसका नाम लिख दीजिए www. कंप्यूटर वाला के नाम से .com। चलिए ये हो गया, इसको थोड़ा हम चौड़ा कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसके बाद फिर से ये हो गया कंट्रोल जेड, इसको है जो एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया, ये एडजस्ट हो गया। अब इसमें हमको नीचे भी लिखना है एड्रेस, तो एड्रेस के लिए फिर से इसको हम क्या करेंगे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, और इसी को पकड़ के फिर से हम नीचे ले आएंगे और इसमें हम लिख देंगे एड नियर हाई स्कूल आबापुर, हो गया। इसको आप क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद इसको बोल्ट करना है तो कंट्रोल बी से बोल्ट तो है ही, चलिए बोल्ट कर लिए, और इसको सेंटर में तो सेंटर में कर लिए, और देखिए ये है तो हम इसमें हम थोड़ा यहाँ भी स्पेस पड़ेगा तो स्पेस दे दिए, और इसमें जो एक डरेर लाइन मारना है तो यहाँ पे लाइन मारने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके बाद शिफ्ट के साथ पकड़ के है जिसको खींच देंगे, शिफ्ट के साथ ही खींचेंगे तो क्या होगा एकदम सीधा आएगा, ये हो गया। और होने के बाद तो इसको हम थोड़ा इधर जो छूटा हुआ है इधर चेहरा हुआ है तो इसको क्या करेंगे सही से एडजस्ट कर दिए, चलिए एडजस्ट हो गया। अब इसको हमको मर्ज करना है, एक ग्रुप बनाना है, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ प्रत्येक के बॉर्डर पे क्या करना है क्लिक करना है, प्रत्येक के बॉर्डर पे क्लिक करना है, ये क्लिक करना है, क्लिक करना है, ये क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद
इसके बाद ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए हम शिफ्ट के साथ सभी पे क्लिक करेंगे, तो शिफ्ट प्रेस किए रहेंगे, दाबे रहेंगे, और जितना पे है क्लिक करेंगे और सभी को सेलेक्ट करेंगे। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बगल का है तो इसको भी सिलेक्ट कर लिए, और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, और ये भी सिलेक्ट, देखिए चरखुट जो हो जाएगा तब करेंगे सिलेक्ट, तो होगा चरखुट होने के बाद। और इसके बाद क्या करना है, या तो आप लाइआउट पे आइए, लाइआउट पे आने के बाद ग्रुप ग्रुप बना दीजिए। अब देखिए इसको करते हैं, अब क्या हो रहा है, सभी है जो इधर से इधर हो रहा है, तो ये तो एक हो गया। और इसके बाद इसी को कॉपी करना है, तो कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए, और शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी से फिर से कॉपी कर लीजिए, फिर से इसको नीचे ले आइए, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं पेज छोटा कर देते हैं, और ये हो गया। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। तो इस प्रकार से आप जो विजिटिंग कार्ड को बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है, तो ये विजिटिंग कार्ड बन गया। इसको सेव करने के लिए आइए, यहाँ पे सेव पे आइए, और जहाँ लोकेशन है डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप ले लीजिए, और विजिटिंग कार्ड है तो आप विजिटिंग कार्ड के नाम से इसको सेव कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।